वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी को मेरी इस नए वीडियो में। तो कैसे आप सभी लोग, सो इधर आ चुके हैं अपन लोग एक सोलो गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। सो हम लोग उतरे थे कि सेवर्नी में, और आपने देखा होगा उतरते समय कि दो बंदे और उतरे थे मेरे साथ। मैंने जब उतरा था इस टाइम तो यहाँ पे सेवर्नी में दो बंदे हैं और यही आसपास ही है, मेरे ही आसपास। सो मुझे यहाँ पर मिल जाता है शॉट गन, इस घर में मेरे को शॉट गन मिल जाता है एंड यहाँ पर यूसी मिल जाता है। सो मैं यहाँ पर आप देख सकते हो इस बंदे ने तुरंत जम के और ये ख़त्म। सो यहाँ पे इस फिनिश को फिनिश करने के बाद यहीं पे मेरे को और फुटप्रिंट आ रहे होते हैं, तो मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। एंड वो बंदा मेरे ही आसपास था, आई थिंक सामने वाले घर में गया था। फुटप्रिंट से एकदम ज़्यादा क्लियर था, क्लियर आवाज़ था उसका, क्लियर फुटप्रिंट आ रहा था उसके। वो सामने था आई थिंक, मेरे को थोड़ा बहुत तो दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर उसको भी दिख सकते हो, विंडो पर है वो अभी। तो वो अभी आई थिंक कुछ लूट रहा है, तो अपन लोग चुपचाप से यहाँ से भगते हैं। अभी वो आ नहीं रहा, आई थिंक वो उधर गया है, इधर से जम करता है क्या उसको, उधर ही मारे। सो गेजर उधर जम नहीं करा, तो आप लोग को उधर जाना पड़ेगा उसके साइड। सो चलो उसके साइड चलते हैं। आई थिंक वो यहाँ पे नहीं, नहीं भाई ये तो नहीं मिलता। तो चलो ये भी फिनिश हो गया। सो यहाँ पे गेज अपन लोग इसकी चीज़ें लूट लेते हैं, और लूटने के बाद गेज यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत यहाँ पे बॉट आया था, उसको अपन लोगों ने फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद गाइस यहाँ पे एक और बॉट आता है। सो यहाँ पे वो आई थिंक छुप गया हो। ओके सो यहाँ पे एम सिस्टम से ख़त्म। और यहाँ पे गाइस सामने एक रियल बंदा था जो कि यहाँ पे बहुत बंदों को मार रहा था जब मैं उस साइड था। सो वो वहाँ पे उसका फुटप्रिंट आता है और मुझे वो सामने दिख जाता है। यहाँ पे इसको इजीली ख़त्म करने के बाद, फिनिश करने के बाद यहाँ से गाइस पूरे बंदे ख़त्म हो जाते हैं। एंड जब मैं यहाँ से निकल रहा था तो जस्ट यहाँ पे मतलब सेवर्नी के सामने, यहाँ पे एक बॉट ख़त्म, सॉरी इस थोड़ा सा एम हिल रहा था। एंड यहाँ पे गाइस मेरे को और दिखता है, उसको भी अपन लोगों ने फिनिश कर दिया। लेकिन यहाँ पे कार 98 का शॉट आया था, तो मुझे एकदम कंफर्म नहीं पता है कि कहाँ पे किस बंदे ने पकड़ा था, इसलिए मैं थोड़ा सा छुप रहा था। और यहाँ से गाड़ी लेके निकल लेते हैं अपन लोग। सो गाड़ी लेके भी अपन लोग चलेंगे रोजॉक। सो यहाँ पे भी रोजॉक था, रोजॉक की ओर अपन लोग निकल रहे थे, तभी मेरे को M16 से एक बॉट मारता है, लेकिन आप देख सकते हो उसने तरीके से डैमेज किया उसने यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन लोगों ने इस बॉट को फिनिश किया एंड यहाँ पे हील करने के बाद अपन लोग रोजॉक की पहाड़ी पे चलते हैं। तभी मुझे एक यहाँ पे एक बंदा स्पॉट होता है, तो यहाँ पे उसको अपन लोग ईजीली खेल लेते हैं। तो यहाँ पे भी फिनिश कर दे इसको भी। फिनिश करने के बाद भी यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे भी बॉट आ गया था, इसको अपन लोगों ने फिनिश किया। एंड देन यहाँ पे ऊपर से भी फायरिंग हो रहा था। सो अपन लोग ऊपर चलते हैं, वहाँ पे कौन है वहाँ पे देखते हैं कौन रियल है कि क्या है। सो भाई सर यहाँ पे मेरे को यहाँ पता नहीं, फिलहाल तो दिख नहीं होता, लेकिन अचानक से यहाँ पे आप देख लो, तो यहाँ पे ये बंदा फिनिश। एंड यहाँ पे और बंदे थे, बैंडेज थोड़ा अपन लोग लगा लेते हैं, थोड़ा सा हेल्थ। ओके तो यहाँ पे भी सामने से फायर आ रहा होता है और पीछे से आप देखो बंदे आ रहे होते हैं। इसको किल करने के बाद भी ये रियल बंदा था, इसको किल करने के बाद एक बॉट आ जाता है, तो बॉट को भी पील देते हैं। और सामने एक बंदा फायरिंग भी कर रहा था, वो भी अपन लोग को याद रखना है। और सामने से एक और बॉट आता है, इसको भी अपन लोग ईजीली मार देते हैं। एंड देन यहाँ से अपन लोग निकल लेते हैं उस बंदे की ओर जो अपन लोग को रोजॉक से मार रहा था, रोजॉक के पहाड़ी पे थे तो मारा। तो मुझे वहाँ पे भी आप देख सकते हो एकदम सामने में, मेरे को लगा मैं उसे कुचल दूंगा, बट वहाँ पे थोड़ा सा बच जाता है बंदा। सो यहाँ पे मैं आता हूँ, गाड़ी रोकता हूँ, हील करता हूँ। मुझे लगा वो बंदा कहीं से यहाँ बॉर्डर के पास से आएगा, बट वो आता नहीं है बॉर्डर के साइड से, वो उस साइड चला जाता है, आप देखना वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे भी यहाँ से देखता हूँ कहीं ऊपर तो नहीं गया, तो वो ऊपर नहीं गया होता है, वो इधर ही आ जाता है मेरे साइड। सो यहाँ पे ही सब लोग घर में चले जाते हैं, यहाँ से मुझे मेड किट मिलता है, बट वो खाता नहीं हूँ बिकॉज मेरे पास है। सो यहाँ पे ये सामने ही था वो बंदा,
अपने डीपी का एक बार फायर किया था वो, सो अपन लोग ग्रेनेड कुक कर लेते हैं यहाँ पे। मेरे को एकदम कंफर्म पता नहीं बंदा कहाँ पे है, समझ भी नहीं आ रहा था अच्छे से, तो मैंने एक ग्रेनेड रैंडम ग्रेनेड कर दिया वहाँ पे। लेकिन वो वहाँ पे आई नहीं होता, वो थोड़ा सा दूर होता है इसलिए वो मरता नहीं मेरे ग्रेनेड से। तो यहाँ से अपन लोग जंप कर लेता हूँ। जंप करने के बाद भी मैं यहाँ पे गाड़ी में बैठता हूँ, फिर उधर ही जाता हूँ, मैं उधर जाता हूँ यही सब देखना। वहाँ पे मेरे को बंदा अगर होगा तो स्पॉट हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर तो देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वही पास बैठा है बंदा डीपी के साथ, और यहाँ पे आई थिंक वो मेरे पास आ रहा है। तो यहाँ पे इसको भी ईजिली फिनिश कर देते हैं अपन लोग। इसको फिनिश करने के बाद मैं यहाँ पे गाड़ी एक्सचेंज कर लेता हूँ अपना, मतलब चेंज कर लेता हूँ। चेंज करने के बाद यहाँ पे एक ड्रॉप गिरा था इधर ही आसपास, और यहाँ पे आपने तो सुना ही होगा AWM का एक शॉट आता है इधर ही घरों की ओर से, सो अपन लोग इधर ही चलते हैं। अब पता नहीं वो शॉट AWM का था कि क्या का था, मेरे को पता नहीं, लेकिन वो आई थिंक स्नाइपर का ही था किसी न किसी बोल्ट एक्शन राइफल का। और यहाँ पे गाइस एक गाड़ी भी खड़ी होती है US, और यहाँ पे मेरे को पता नहीं बंदा कौन से घर में है। तो यहाँ पे मुझे एक बंदा स्पॉट होता है, सो यहाँ पे ये था अपनी बॉट का। चलो कोई ना, इसको किल करने के बाद भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा उस बंदे को स्पॉट करता हूँ कि कौन से घर में। तभी मेरे को यहाँ से हील करते हुए थोड़ा बहुत फुटप्रिंट आता है, तो मैं आप देखना वहाँ से वो बंदा निकलेगा भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा लगाने के बाद आप देख सकते हो वहाँ पे, सो पूरा बॉर्डर के साइड से ही निकल रहा था बंदा। आई थिंक उसने मुझे देख लिया था इसलिए वहाँ पे कवर ले रहा था। एंड देन उसके बाद ये बंदा इधर आ गया था, और यहाँ पे तो गया। तो यहाँ पे भी फिनिश कर दो। पता नहीं ये बंदा कैसा था, वेलस होता। सो यहाँ पे उसके बाद मेरे को सामने में यहाँ पे एक बंदा घुसता है यहाँ पे क्लॉक टावर पे। सो यहाँ पे मैं उसको लेट की एम ले रहा था, इसका रहा था इसलिए एकदम ज़्यादा प्रॉपर नहीं जाता यहाँ पे। आई थिंक एकदम वो बंदा मूवमेंट ज़्यादा कर रहा था। तो रिजल्ट यहाँ पर मैंने बहुत तगड़ा डैमेज दिया था उसको। अब बस देरी थी तो गाड़ी ले जाने की। तो यहाँ पे मैं ग्रोसर चूज़ करता हूँ एंड यहाँ से बैक लेता हूँ, एंड फिर गाइस उसके ऊपर रश कर देता हूँ। मैं रश कर देख सकते हो अभी भी क्लॉक टावर पे है। एंड देन मेरे जस्ट यहाँ पे आते ही उसे लग गया होगा, मैं उसको लगा होगा कि मैं ग्रेनेड करूँगा, इसलिए वो पहले ही कूद जाता है वहाँ पे। और यहाँ पे गाइस वो एकदम मतलब पीक ले रहा होता है मेरे तरफ, जैसे मैं उसके लिए पीक ले रहा हूँ, और पीछे से बॉल जाता है जिसे अपन लोग फिनिश कर देते हैं। इसको फिनिश करने के बाद भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्रेनेड निकालता हूँ उसको डराने के लिए, एंड यहाँ पे मैं उसे कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद वो बंदा किस ग्रेनेड फेंकता है मेरे पे, हालांकि ग्रेनेड लगा नहीं, और ये बंदा सुबह की इस बंदे का कहानी ये था कि उसका लैग कर रहा था इसलिए वो पीछे भाग रहा था, वो ईजिली उसको फिनिश कर दिया एंड बॉड भी था उसको भी अपन लोग फिनिश कर दिया। सो यहाँ पे इस पीछे घरों में मैं जस्ट वहाँ से गया था, तुरंत वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है। सो यहाँ पे मैं गाड़ी रोकता हूँ, रोकने के बाद गाइस यहाँ पे मुझे वो बंदा स्पॉट हो जाता है, आप देखना यहाँ पे। सो यहाँ पे गाइस थोड़ा सा वेट करने के बाद मुझे बंदा तो बहुत ही अच्छा लगता है ना। सो अब बचे गए टोटल 3 बंदे, उन्हीं को अब मारने, उसके बाद मैच अपने नाम हो जाएगा। पता नहीं क्या होगा क्योंकि एंड टाइम में सब गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। सो यहाँ पे भी राइट में बॉट था, मतलब सॉरी ड्रॉप था, ड्रॉप के पास अपन लोग जा रहे थे, तभी यहाँ पे देखना क्या होता है, तभी यहाँ पे एक बॉट होता है। इस बॉट को अब आप लोग को लग रहा होगा कि कितने सारे बॉट मारे मैंने, पता नहीं कि अभी बहुत ज़्यादा बॉट आ रहा है, पता नहीं क्यों इसी मैच में ज़्यादा बॉट है, वरना कोई और ज़्यादा मैच में बॉट नहीं है, इसी मैच में ज़्यादा बॉट है। यहाँ पे भी इसको अपन कर देते हैं, बचता है लास्ट बंदा, उसको आप देखना कैसे मारते हैं बंदा। सो इतने बड़े जोन हो गए, उसको अभी बड़ा ही है जोन, हालांकि खुला जोन है बट बड़ा है। सो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत उसको ढूंढते हैं अपन लोग, क्योंकि आई थिंक होगा तो घर पे ही होगा या तो कहीं पर लेटा होगा। सो यहाँ पे भी थोड़ा सा गाड़ी को दूसरा है, सो मतलब टकरा जाता है। तो यहाँ पे गाइस अपन लोग बैक चलते हैं फिर से बैक चलने के बाद भी मुझे वहाँ पे बंदा दिखता है वहाँ पे,
आप देखना, आपको दिखेगा वो थोड़ा देर में। फिर वहाँ पर मैं ना गैरेज के साइड गया था, मेरे को भी दिखा था, आपको दिखा होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट वो बंदा जो है गैरेज के साइड गया था। एंड यहाँ पे गाइस मैं ठुक जाता है, यहाँ पे मेरा गाड़ी यहीं पे उतरता हूँ, एंड मुझे पता नहीं गाइस वो कहाँ पे है अभी फ़िलहाल। तो वहाँ पे ओके, तो वहाँ पे वो घर के पास है और ये भी वॉर्ड था, तो चलो कोई ना, पूरा मैच में वॉर्ड था, ऐसा हो गया। तो गाइस यार मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वॉर्ड थे लेकिन उतने ज़्यादा भी नहीं थे, रियल बंदे भी थे। सो गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेजल के वीडियोस देखने के लिए। एंड अगर आपको जीटी फैक्ट्री पर वीडियो चाहिए तो बताना कमेंट करके। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में PUBG मोबाइल के गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए बाय।